इन दिनों फिल्मों की कहानी और उसके फिल्मांकन में बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि फिल्म मेकर्स दर्शकों की पसंद का ख्याल रखते हुए अलग तरह की फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब तक फिल्मों में बच्चों को गोद लेने की कहानी को दिखाया गया है, लेकिन अब पेरेंट्स एडॉप्शन की यूनिक स्टोरी लाइन लेकर दिनेश विजयन बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां कृति सनन और राजकुमार राव लीड रोल्स में होंगे। दिनेश विजयन की इस फिल्म में कृति सनन और राजकुमार राव पेरेंट्स एडॉप्ट करते दिखेंगे। वहीं दिनेश अपनी इस अनोखी कहानी को फिल्म में एक सिचुएशनल कॉमेडी के तौर पर फिल्माएंगे, जहां राजकुमार राव की लेडी लव अनाथ होगी, इसलिए ये एक्ट्रेस फिल्म में पेरेंट्स गोद लेने का फैसला लेंगे। वहीं फिल्म में बूढ़े कपल के किरदारों में परेश रावल और डिंपल कपाड़िया अहम रोल में होंगे, लेकिन पेरेंट्स एडॉप्शन के बाद राजकुमार राव और कृति सनन की शादी खतरे में आ जाती है और इसी कहानी को दिनेश विजयन कॉमेडी अंदाज में पेश करेंगे। वहीं दिनेश का मानना है कि रियल लाइफ में उठने वाली समस्याओं से लोगों को एंटरटेन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लुका छुपी और बाला के बाद अब इस फिल्म के लिए भी इनोवेटिव आइडिया उन्हें रियल लाइफ से ही आया है, जहां वो क्रेजी कॉमेडी का यूनिक तड़का लगाएंगे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।